तो प्राइस क्यों भाग रहा है पता आप लोगों को? ऊपर क्यों जा रहा है प्राइस? ऊपर इसलिए जा रहा है, देखो ये कॉल जो है ये ऊपर की साइड भाग रहा है। क्यों भाग रहा है आप लोगों को पता है क्यों? दो से तीन चीजें मिलाई और उससे क्या हुआ, देखो थर्ड डाटा ने इशारा दिया, पता चला कॉल का प्राइस बढ़ेगा, और हारे का सारा फॉर्मूला ने इशारा दिया कि बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाना है, और एक रेंज तैयार करके दे दी हमें उस डाटा ने कि यहाँ तक तो जाना ही जाना है। तो उसके बेस पे हमने पहले ही पता कर लिया था, पहले ही पता चल गया था हमें कि बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ना है, कॉल का प्राइस बढ़ना है, सिंपल सा फंडा है यार। तो फ्रेंड्स देखो 51,600 तक बैंक निफ्टी का प्राइस जाना ही जाना है, क्योंकि हारे का सारा फॉर्मूला जो है वह 51,600 तक बैंक निफ्टी को लेके आना चाहता है। हारे का सारा फॉर्मूला जो है वह ऐसा डाटा तैयार हो रखा है जिससे हमें पता चलता है कि 51,600 तक बैंक निफ्टी का प्राइस जाना ही जाना है, और थर्ड डाटा ने यहीं से इशारा दे दिया था। देखो थर्ड डाटा ने हमें यहीं से इशारा दे दिया था कि प्राइस जो है बैंक निफ्टी का ही ऊपर जाएगा। ये लेवल ब्रेक हुआ ना, जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो थर्ड डाटा ने इशारा दे दिया था कि बैंक निफ्टी का प्राइस जो है 51,600 तक जाना है। तो 50,500 से, यानी कि 50,600 से कर लो, 50,600 से 51,600, तो 1,000 पॉइंट का टारगेट थर्ड डाटा और हारे का सारा फॉर्मूला दोनों ने मिलकर हमें बता दिया था कि 1,000 पॉइंट का टारगेट मिलना है। इसलिए हम बैठे हैं कॉल साइड, इसलिए कॉल साइड बैठे हैं, इसलिए कॉल साइड हम टारगेट ले रहे थे। और 400 बाइंग थी मेरी, अब बताओ कौन सी, 50 50-700 की कॉल थी पचास 700? जी, 400 पे सर बाइंग थी मेरी, मैं कह रहा हूँ सही। 400 पे सर मेरा बाइंग प्राइस था, हाँ। और मेरे 500 पे मेरा टारगेट था, और झटके में एक ही कैंडल में मेरा पूरा कर गई थी। आप यहां से चले हो फिर? हाँ सर, ये जो रेंज में जब मार्केट थी, मैं फोटो भेजता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट सर, ग्रुप में डाल दो, बाकी को सीखने को मिलेगा कुछ। 400 से 500, मनोज सर एक बार देखो जरा। हाँ सर, बॉटम पे आधा आ गया था ये, और 500 का टारगेट तुरंत हिट कर दिया उसका एग्जिट, प्रोग्रेस में भी पांच तो सौ 550 का सर सेकंड टारगेट है मेरा, दे दिया लगभग। ये 547 तक जाके आ रखा है। हाँ, और इसको अगर अगर ब्रेक किया सर फुल मूवमेंट में, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट 600, एक मिनट, 631, और सीधा मेरा टारगेट सर 695, 700 ही लगा लो लगभग, अच्छा, एक या दो कैंडल में पूरा कर देगी ये पूरा। एक 631, 700 ही कर लो दूसरा। हाँ हाँ टारगेट जरूर देगी वो कोई सीन नहीं है, टारगेट वो वाला आएगा क्योंकि इसको जाना है वहां पे। हाँ वो आपकी बात जायज है, टारगेट जरूर आएगा, टारगेट रोकने वाला नहीं है कोई भी। बाकी एक एक्सपीरियंस तो करना है ना अपना, थर्ड डाटा वाला वो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। सर 705.85, हाँ गया गया। तो प्राइस क्यों भाग रहा है पता आप लोगों को? ऊपर क्यों जा रहा है प्राइस? ऊपर इसलिए जा रहा है, देखो ये कॉल जो है ये ऊपर की साइड भाग रहा है। क्यों भाग रहा है आप लोगों को पता है? क्योंकि अपना हारे का सारा फॉर्मूला जो है वह मार्केट को ऊपर साइड बुला रहा है, उसने इशारा दे रखा है मार्केट को ऊपर साइड आने के लिए। तो पहले से ही पता है हम सबको कि मार्केट ऊपर ही जाना है, यानी कि कॉल का प्राइस ही बढ़ना है, क्योंकि हारे का सारा फॉर्मूला जो है उसका डाटा जो तैयार हुआ है वो यही बोल रहा है कि बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा। तो जाहिर सी बात है ऐसी थोड़ी हमने यहाँ पे एंट्री पॉइंट बना दिया। अब यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनाने का मतलब देखो, थर्ड डाटा में इशारा था कि मार्केट ऊपर जाएगा और हारे का सारा फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से ही मार्केट ऊपर ही जाना था, तो इसलिए यहाँ पे एंट्री लिया। तो अब देखो दो से तीन चीजों को मिला के एंट्री ली गई है, तो देखो कितना बड़ा रिजल्ट मिला है, कितना बढ़िया रिजल्ट मिला है, कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। दो से तीन चीजें मिलाई और उससे क्या हुआ, देखो थर्ड डाटा ने इशारा दिया, पता चला कॉल का प्राइस बढ़ेगा, और हारे का सारा फॉर्मूला ने इशारा दिया कि बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाना है, और एक रेंज तैयार करके दे दी हमें उस डाटा ने कि यहाँ तक तो जाने जाना है। तो उसके बेस पे हमने पहले ही पता कर लिया था, पहले ही पता चल गया था हमें कि बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ना है, कॉल का प्राइस बढ़ना है, सिंपल सा फंडा यार। चलो आपको बताता हूँ मैं कि बैंक निफ्टी का प्राइस कहाँ तक जाएगा। चलो बैंक निफ्टी का प्राइस बता देता हूँ आपको कहाँ तक जाएगा, मुझे 2 सेकंड का टाइम दो। तो फ्रेंड्स देखो 51,600 तक बैंक निफ्टी का प्राइस जाना ही जाना है, क्योंकि हारे का सारा फॉर्मूला जो है वह 51,600 तक बैंक निफ्टी को लेके आना चाहता है। हारे का सारा फॉर्मूला जो है वह ऐसा डाटा तैयार हो रखा है जिससे हमें पता चलता है कि 51,600 तक बैंक निफ्टी का प्राइस जाना ही जाना है, और थर्ड डाटा ने यहीं से सारा दे दिया था। देखो
थर्ड डाटा ने हमें यहीं से इशारा दे दिया था कि प्राइस जो है बैंक निफ्टी का ही ऊपर जाएगा। ये लेवल ब्रेक हुआ ना, जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो थर्ड डाटा ने इशारा दे दिया था कि बैंक निफ्टी का प्राइस जो है 51,600 तक जाना है। तो 50,500 से, यानी कि 50,600 से कर लो, 50,600 से 51,600, तो 1,000 पॉइंट का टारगेट थर्ड डाटा और हारे का सारा फॉर्मूला दोनों ने मिलकर हमें बता दिया था कि 1,000 पॉइंट का टारगेट मिलना है। इसलिए हम बैठे हैं कॉल साइड, इसलिए कॉल साइड बैठे हैं, इसलिए कॉल साइड हम टारगेट ले रहे थे। स्टूडेंट लोग अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, जितने भी स्टूडेंट हैं अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो आप एक काम करो, हरे का सारा फॉर्मूला जो है उसको यूज करो और थर्ड डाटा यूज करो। यहाँ पे थर्ड डाटा ने अपने को इशारा दिया, थर्ड डाटा का इशारा मिला तो हम समझ गए कि बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन कहाँ तक जाएगा ये हमें किसने बताया? ये बताया हारे का सारा फॉर्मूला जो है उसने बताया कि 51,600 तक जाएगा। तो अब 51,600 तक तो बैंक निफ्टी का प्राइस जाना ही जाना है, ये वो टारगेट है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, टारगेट तो आना ही आना है, तो वो वाला सीन है। तो बीच में 2 दिन की छुट्टी भी आ गई और हम यहाँ तक तो पहुंच ही चुके हैं, बाकी देखो ये कब तक कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ तक जरूर मिलेगा। चाहे मार्केट गैप अप ओपन होके टारगेट दे, चाहे कैसे भी दे, लेकिन हमें यहाँ तक का टारगेट जरूर मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो करो वेट टारगेट का, यहाँ तक आएगा मार्केट। और ये जो आपका है ना, ये अभी और ऊपर जाना है, कॉल का प्राइस अभी और ऊपर जाना है, ठीक है, समझ गए? तो करो टारगेट का वेट, देखते हैं कब तक आता अपना टारगेट। तो फ्रेंड्स हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, थोड़ी दूरी बची है जो कि अपने को जल्दी देखने को मिल जाएगी, यानी कि जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये टारगेट भी अपना, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, यानी कि 2 दिन की छुट्टी आ गई है बीच में, मंडे ट्यूजडे तक ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा अपना। वैसे अपन यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो इतना टारगेट ले लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक का सफर तय किया है, तो यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लो। अब ये टारगेट देखते हैं, ये हट गया लगता है यार, कहाँ तक का हाई बना दिया इसने। लो जी हाई बना दिया इसने, 802 का, ठीक है, 802 का हाई बना दिया भाई, 802 तक का टारगेट देखने को मिल गया, 400 पॉइंट का टारगेट यार, 400 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बड़ा टारगेट बोल सकते हैं आप, 400 पॉइंट, ठीक है। चलो अभी अपना ट्रेनिंग टाइम शुरू हो गया है, तो चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि अपना जो टारगेट था बैंक निफ्टी का, जो मैंने आपको बोला था कि हारे का सारा जो फॉर्मूला है, जो मैंने आपको बोला था कि हारे का सारा फॉर्मूला जो है वो बैंक निफ्टी को यहाँ तक लेके आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ तक टारगेट आना ही आना है, चाहे गैप अप ओपन होकर टारगेट मिले, चाहे कैसे भी मिले, ये टारगेट मिल जाएगा आपको। तो आप देख सकते हैं ये टारगेट जो अपना कंप्लीट हो चुका है और अपने को यहाँ तक का टारगेट देखने को मिला है, जो कि आप बोल सकते हैं 52,170 तक का टारगेट अपने को देखने को मिला है। देखो कितना हो गया, 52,180 तक का टारगेट देखने को मिल गया यार। तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बड़ा टारगेट है, जो कि आग लगा देने वाला टारगेट, फुल प्रॉफिट देने वाला टारगेट। तो ये हारे का सारा फॉर्मूला जो है सब उसका खेल है, यहाँ से प्राइस का जाना, थर्ड डाटा ने सारा दिया, प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ और हमने देखा हारे का सारा फॉर्मूला जो है उसका डाटा तैयार हुआ, तो हमने ये टारगेट लगाया, क्योंकि हारे का सारा फॉर्मूला में डाटा जो तैयार होकर निकल रहा था वो यही टारगेट था। तो यहाँ तक अपन लेके आ गए, और कॉल के अंदर मैंने बोला था ना कॉल भी बहुत ऊपर जाने वाली, जाहिर सी बात है यार बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉल का तो बढ़ना ही था, लेकिन ये कॉल जो थी वो अपने स्टूडेंट की कॉल बनाई हुई कॉल दिखा देता हूँ एक बार, स्टूडेंट ने जो कॉल बनाई थी। तो अपने स्टूडेंट ने जो कॉल बनाई थी ये देखो, 400 से 500 तक का उनका 100 पॉइंट का अपना उनका टारगेट था, जैसे जैसे प्राइस ऊपर चलता गया टारगेट बढ़ता गया, और टोटल अपने को इस कॉल में, क्योंकि देखो यार जब प्राइस यहाँ से निकला तो हमें तो पहले से ही पता था कि प्राइस तो कॉल का ही बढ़ना है, क्योंकि बैंक निफ्टी का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाना है, तो कॉल तो बाय करके यहाँ से बैठना ही था, क्योंकि बैंक निफ्टी का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाना था, हारे का सारा फॉर्मूला जो है उसने जो टारगेट दे रखा था बहुत बड़ा टारगेट था वो, तो इसलिए हम यहाँ से लेके चले थे इसको। तो अब यहाँ से अपना एंट्री पॉइंट था 400 से, और टारगेट मिला है अपने को 400 से, अपने को टारगेट देखो हाई कितना बनाया इसने, 1,560 का, तो आप बोल सकते हैं 1,100 पॉइंट, 1,100 पॉइंट का टारगेट, 1,150 पॉइंट बोल सकते हो, 1,160 पॉइंट का टारगेट बोल सकते हो, ठीक है। तो 1,160 पॉइंट का टारगेट अपने को मिल चुका है यार, देखो कितना बड़ा टारगेट मिला है। ये टारगेट देखो हर 3 दिन 4 दिन बाद मिलता है, क्योंकि हारे का सारा फॉर्मूला जो है ना वो क्या करता है, वो एक जगह बाय करवाता है और उसके बाद एक टारगेट दे देता है, 1,000 पॉइंट, 1,300 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, तो वो टारगेट मिलना ही मिलना होता है। तो ऐसे टारगेट लेने हैं, और स्टूडेंट लोग इस पे जो मैंने आपको सिखा रखा है ना हारे का सारा और अपना 3 डाटा जो है बाय वो नियर बाय, उसको देखते हुए उसमें इसमें प्रैक्टिस करो, इतने बड़े बड़े टारगेट लगाओ,
प्रैक्टिस में ये टारगेट लगाओ और एक एक चीज नोट करो और इसका एक्सपीरियंस लीजिए, इसका एक्सपीरियंस लीजिए, हो जाएगा आपका भी इतना बड़ा टारगेट स्टार्ट हो जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ सभी के टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हुए होंगे। तो टारगेट मैंने आपको दिखाई दिया, बैंक निफ्टी का टारगेट दिखा दिया है और आपको कॉल का भी टारगेट दिखा दिया है। तो अपने जो टारगेट है वो कंप्लीट है। तो आज के लिए तो मुझे इजाजत, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।